हिमालय के आंचल में बसा हुआ अरुण भूमि अरुणाचल, जहां देश में सबसे पहले सूरज अपनी मनोरम छटा बिखेरता है। पर्वतों, नदियों, झीलों, वन्य जीव और वनस्पतियों से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत अति प्राचीन है। यहां के धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान यहां की विशेषता है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के रूप में ईता फोर्ट, मालिनीथान मंदिर, परशुराम कुंड, तवांग मठ आदि इसके गौरव को दर्शाता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक रूप से तीन क्षेत्र में विभक्त हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। भारत में हथकरघा उद्योग वैदिक काल से रहा है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वस्त्रों को बनाने का विवरण मिलता है। लोक कथाओं में इसका जिक्र किया गया है। हरप्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में परिधान के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। संत कबीर स्वयं एक बुनकर थे। उन्होंने अनेक दोहों में वस्त्र हस्तकला को पिरोया है। महात्मा गांधी ने हस्तकला के माध्यम से स्वदेशी चेतना को जागृत किया और चरखा को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनाया। कितनी शक्ति है, आज तो मेरे जैसे आदमी तो कह देता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आज़ादी दिला सकता है और सारी दुनिया दे दे तो सारी दुनिया को आज़ादी दिला सकता है। अरुणाचल प्रदेश एक बहुरंगी भौगोलिक विविधता से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ मुख्य रूप से 26 प्रमुख जनजाति और 100 से भी अधिक उप जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग आई कैचिंग हैंडीक्राफ्ट बनाने में पारंगत हैं। उनके उंगलियों में जादू है, जिसके माध्यम से खूबसूरत डिजाइन के कपड़े बुनते हैं। खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश की मेहनती महिलाएं इस क्षेत्र में काफी आगे हैं। बुनाई एवं रंग संयोजन के क्षेत्र में इनको विशेषता हासिल है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली में लायन लूम वीविंग समाहित है। राज्य के लायन लूम वीविंग की खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक रूप से तैयार रंगों और धागों का उपयोग किया जाता है। इस तरह यह पद्धति इको फ्रेंडली भी है। भारत में कृषि के बाद हैंडीक्राफ्ट उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग साबित हो सकता है। लायन लूम वीविंग को प्राथमिकता से विकसित कर अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। साथ ही लायन लूम कला का जादू यहाँ की महिलाओं के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लायन लूम वीविंग अरुणाचल प्रदेश की एक पारंपरिक कला है, जिसमें यहाँ की जनजातीय महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह कला आकर्षक डिजाइन, खूबसूरत रंग संयोजन और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। परिधान निर्माण की इस तकनीक में डिजाइन के अनुसार दो चरण हैं, ताना यानी वेफ्ट और भरनी यानी वार्प। आधुनिक युग में राज्य के जनजातीय पहचान, यहाँ के विशेष परिधान को बनाए रखना एक चुनौती है। अब युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर सरकारी या प्राइवेट नौकरी या अपना खुद का व्यवसाय कर रही है और वे पारंपरिक लायन लूम वीविंग से कटती जा रही है। राज्य की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा का अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय परिधानों से बहुत लगाव है और यही कारण है कि वे किसी भी खास मौके या समारोह में स्थानीय परिधान को पहनकर शामिल होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में भांति भांति की जनजातियाँ रहती हैं और वो सब दूसरे दूसरे जगह से भी आए हुए हैं। जैसे मिश्मी का आप जानते हैं कि महाभारत काल में भी उनका वर्णन है कि रुक्मणी जो थी वो मिश्मी ट्राइब की थी। तरह तरह के ट्राइब हैं और उनका ओरिजिन फ़र्क फ़र्क है, इसलिए उनका आर्ट एंड कल्चर भी फ़र्क है। उनका खास तौर से जो लायन लूम है, क्योंकि कपड़ा इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर व्यक्ति जैसे ही थोड़ा सिविलाइज हुआ था तो उसने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे, तो इन लोगों ने अपने आप लायन लूम से वीव करके कपड़े पहनते हैं। और इनके ट्रेडिशन में ही ये है कि कोई मेहमान आता है तो उसको भी ये लायन लूम का मफलर, गाले या शॉल प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन्होंने अपने इस लायन लूम कल्चर को बचा के रखा हुआ है अभी तक। और इनके पैटर्न सबके सारे जितने ट्राइब हैं उनके सबके पैटर्न एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। इवन उनके जो रंगों का चयन है वो भी दूसरी ट्राइब से अलग है।
जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश में आए तो यहाँ के रंग बिरंगे परिधानों ने हमारा मन अपनी ओर आकर्षित किया और उसमें हमें इतना इंटरेस्ट हो गया कि हमने जगह जगह से सोचना शुरू किया कि ये इतने रंग बिरंगे, इतने अद्भुत कलर के और इतने बढ़िया डिज़ाइन के वस्त्र कैसे बनते हैं और कहाँ से बनाते हैं। वो देखते हुए हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत तरह की ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब का एक अपना पैटर्न है, एक अपना कलर है और उन रंगों का चयन वो अपने ट्राइब के अनुसार से करते हैं। उनके जो कपड़े पहनते हैं उसको देख के आदमी जान जाता है कि ये किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं। उसको देख के मैंने सोचा कि हम इसके बारे में पता करते हैं और बहुत मुश्किल हुआ कि हमें कैसे बनाना है वो समझ में नहीं आता था और जब किताबों में और यूट्यूब में लाइब्रेरी में ढूंढना शुरू किया तो भी सारा कुछ नहीं मिल पाया। फिर हमें हमारी एक फ्रेंड मिली जो यहाँ एडीसी की वाइफ थी, जिनकी वजह से मुझे इसके बारे में और इंटरेस्ट हुआ क्योंकि उनको बुनना आता था तो हमने उनसे बुनाई सीखा। ये लॉयन लूम है पूरा, इसमें डंडे और धागे के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये एक बेल्ट है, ये ज़रूरी होती है ये बेल्ट। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है जिनको पता नहीं है कि कब से उनके घर में थी, उनकी दादी परदादी सब इसका इस्तेमाल करती थी तो ये मेरे पास आ गया है आज। ये लेदर का बना हुआ है, इसको हम कमर में लगाते हैं इस तरह से। और इसको लॉयन लूम कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे कमर में बन जाता है। इसको अंग्रेजी में बैक स्ट्रैप लूम भी कहा जाता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें दो धागों की ज़रूरत पड़ती है, एक ऊपर का होता है एक नीचे का होता है। इस ऊपर के धागे को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं इन लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं हमने छान लिया, क्योंकि हर एक ऑड इवन धागा, ऑड ऊपर हो गया इवन नीचे हो गया, वो ऑड इवन धागे की वजह से जब इसको हम ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ये हो जाता है। इसको उठा के तब इसमें डालते हैं ये, फिर उसमें ये वाला धागा डालते हैं तो वो बुनाई हो जाती है। अब नीचे वाले धागे के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसमें कुछ टेंशन क्रिएट हो, उसके लिए कमर का इस्तेमाल होता है। जब हम इसको यूँ खींच के यूँ करते हैं तब ये धागा ऊपर आ गया वाइट कलर। इसमें हमने दो रंग का इस्तेमाल किया है, पीला और सफ़ेद। इससे हमें दोनों नीचे और ऊपर के धागे साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। जब हम एक ही कलर यूज़ करते हैं तो इसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं पता चलता है। तो जब मैं सीख रही थी तभी मैंने ये सोचा कि बहुत मुश्किल होता था जब हम एक धागे से करते हैं नए आदमी को सिखाने के लिए, उसको समझ ही नहीं आता कि कहाँ गलती हुई। इसमें क्या है, अगर एक धागा भी मुझे यहाँ पर गलत दिखता है तो हम उसको हाथ से उठा के बराबर कर लेते हैं। तो इसमें यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। सारा सामान यहाँ पे लोग बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। मेरे पास ये भी बहुत पुरानी लकड़ी है, ये भी उनकी दादी परदादी की किसी के समय की बनी हुई है इसलिए ये भी ऐसे मजबूत है। बाकी ये सब चीज़ें तो ऐसे ही यहाँ से इकट्ठा करी हुई है, कहीं से जो भी मिल गया। और ये भी बहुत पुराना है, ये वीव करने के लिए यूज़ होता है। इसका मेन चीज़ ये है कि इसको जब वो आग जलाते हैं उसके ऊपर रख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश के दौरे के समय लॉयन लूम वीविंग के विकास पर बल दिया था। वेस्ट कामेंग जिले के शेरगांव में शरदुक्पन जनजाति के लॉयन लूम वीविंग की परंपरा बेमिसाल है। ये लोग कपड़ों की बुनाई करते समय मोनपा जनजाति की तरह तीर, फूल, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक चिन्हों का उपयोग करते हैं। मैं शेरगांव को हूँ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कमेंग बमदिला का। तो ये हमारा शेरदुक्पन का बैग बना रहा है। तो हमारा शेरदुक्पन का बैग बहुत तकलीफ है, मेहनत करना पड़ता है। और ये बैग का देखिए आप लोग, ये पूरा एकदम ए टू जेड ऐसे करके बना के, और ये इसलिए है कि हमारा
सिरगांव का सिरदुपेन का लड़की लोग शादी होता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देना पड़ता है, इसलिए ये हमारा सिरदुपेन का पैक है। तो ये ऐसे बना के उसका बाद में ये हमारा जेंट्स का लड़का लोग का बैग भी होता है, ये छोटा एक छोटा सा एक बैग होता है यहाँ पे, तो वो भी हमारा ऐसे सिरदुपेन का कल्चर होता है उसमें पूरा यूज़ करता है। ऐसे छोकर पूजा है और लोसर फेस्टिवल होता है उसमें भी हमारा लड़का लोग ये बैग को ऐसे बुकते हैं। तो और इस ये बनाने का हमने ऐसे 20-22 साल से शुरू किया है बनाने के लिए। तो वैसे हमारा कल्चर जो मतलब ऐसे अभी आजकल तो बच्चा लोग पूरा पढ़ाई करके बाहर चलता है, बाहर जाता है, इसलिए ये नहीं सीख पा रहा है, इसलिए हम लोग ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी खुला है। तो उसका वजह से हमारा नाम में और स्टेट लेवल में एक अवार्ड भी मिला है, इन ये हैंडीक्राफ्ट का हैंडलूम का मैं थर्ड प्राइज़ मिला हूँ। तो उसमें हमारा सिरदुपेन का बैग एक एग्जीबिशन के लिए दिया था तो उसमें सेलेक्ट हो गया था थर्ड प्राइज़ के लिए स्टेट लेवल में, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हुआ है। हमारा ग्रुप का सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारे 15-16 मेंबर्स हैं तो उसमें हमारा ग्रुप में बहुत एकदम, इसलिए हमारा कल्चर को ख़त्म हो रहा है बोल के इसलिए हम लोग ने पूरा वो कर रहा है मतलब शुरू करा रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसे धीरे धीरे से अभी तो ऐसे शुरू हो रहा है और डिमांड आने से हम लोग से बना देता है उसके बाद में सेलिंग करते हैं। वेस्ट कामेंग और तवांग जिले में निवास करने वाली राज्य की मोनपा जनजाति सांस्कृतिक रूप से लाइनलूम से जुड़े हुए हैं। कॉटन एरी और स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले सूत से वे कपड़े बनाते हैं। मोनपा जनजाति के लोगों ने समय के साथ लाइनलूम उत्पादनों की डिजाइन और गुणवत्ता में सुधार किया है। ऑर्गेनिक कलर के बौद्ध चिन्हों से युक्त पूरी बांह के कोट बहुत ही लोकप्रिय है। इस जनजाति की महिलाएं सुई की सहायता से हथकरघा उत्पादों पर पहाड़, घोड़े, चिड़िया, हाथी, तीर, फूल आदि की कढ़ाई करती हैं। वस्त्र बनाने में स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक रूप से तैयार रंगों और धागों का उपयोग किया जाता है। मोनपा जनजाति द्वारा लायन लूम पर तैयार किए जाने वाले विभिन्न परिधानों और अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी लेते हैं। ये शिंका है और लेटेस्ट लॉक पहनता है, इसको लेटेस्ट लॉक पहनता है। बहुत पहले से ये है, हम लोग का रिक्चुंग बोलता है, रिक्चुंग का ड्रेस हम लोग का भाषा में रिक्चुंग बोलते हैं। और इसका तो इलिन बोलता है, इलिन का बनाता है हम लोग। और हम लोग ये धागा हम लोग नहीं बनाता है, नीचे से लेके आता है। और ये तो बहुत ज़्यादा दाम है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, सूता का दाम भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दाम है, ऐसे है हम। लुइन लूम एक ऐसा वीविंग लूम है जो सिंस टाइम इन इंसेप्शन टाइम्स इन मेमोरियल से यूज करते आए हैं। ये ट्रेडिशनल लूम घर घर में, एवरी हाउस होल्ड में आपको आज भी पाए जाते हैं। मेरा मानना है कि जिस टाइम से ह्यूमन बींग ये कपड़ा पहनने शुरू किए थे तभी से ये लोइन लूम जेनरेट हुए थे। और हमारे लोइन लूम पे बहुत स्ट्रेस करते हैं हम। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न लूम्स भी एडॉप्ट करने के लिए
चाहती है, परंतु ट्रेनिस पास आउट ट्रेनिस यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोयन लूम पे ही ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिस लोग यहाँ से पास आउट होके चले जाते हैं तो वो लोग बड़ा फ्लाई शटल लूम हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लूम हो वो सब ये लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग लोयन लूम पर स्ट्रेस करते हैं। इसका जरिए से वो लोग घर में जाके पास आउट होने के बाद भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये लोयन लूम में कपड़ा बुनते हैं कुछ भी, या बैग हो या कुछ भी ऐसा यहाँ का तवंग का ट्रेडिशनल ड्रेस जो मोनपा से तुडुंग शिंका कहते हैं लेडीज ड्रेस वो सब बनाते हैं, तो उसको सेल करके अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ अपने लिए कुछ रेवेन्यू अर्न करते हैं। मैं यहाँ का लुब्रांग गांव का कांगुरा है, जीबी टशीपुन तो बोलता है। तो मेरा ये है लुब्रांग गांव जो पूरा यक का जगह है, इवन 45 गांव जैसे है पूरा यक दिखता है। तो 100-200 साल से पूरा यक दिखी जा रहा है, आजकल यक लोग पूरा ऊपर गया। अभी यक लोग यहाँ में ठंडा में नहीं रहता है, गर्म में रह नहीं सकता है आपका ठंड, अप्रैल मई जून में ऊपर चला जाता है। यहाँ से करके आपको बटन बॉर्डर करके सैला टॉप निकल के लुगुथांग चला जाता है। मेरा हाथ में ये सूता बना रहा, सूता जो बना के आपको वीविंग में जाएगा, वीविंग में जाके तो जला बनेगा, कैरी बैग का जला बनेगा, ऊपर में रेन का वो तो बनेगा, तो टोपी बनेगा। मेरा यक जो इतना इम्पोर्टिंग है, यक जो उसको मीट भी खाता है, उसको कोई भी फेंकने का चीज़ नहीं है, दूध भी पीता है, उसका ये बाल से पूरा टोपी बनाता है, कपड़ा बनाता है। और यक जो पहले से हमारा माँ पिताजी लोग पूरा यहाँ बैठ के यक पाल के, तो उसका घी छुरपी से आपको नीचे दिरांग में ले जाके धान का साथ में चेंज करता है। छुरपी का किलो में 400 करके, घी में 300 करके बेच के, तो बाल बच्चा सब ऐसे पढ़ के आज मेरा गांव का यक का मेहरमान से ऑफिसर भी बना हुआ है, पुलिस में भी है, कोई फौजी में भी है, एक तो डॉक्टर भी बना है। तो बहुत ही अच्छा हुआ है मेरा गांव के लिए, यक का मेहरमान से सर। मनोरम जीरो वैली में निवास करने वाली आपातानी जनजाति के लायन लूम पर कपड़े के बुनाई का पैटर्न राज्य की अन्य जनजातियों से भिन्न है। अंतर सिर्फ रंगों का चयन और डिजाइन है। इनके हेडमायर पैटर्न अद्वितीय है। आपातानी जनजाति के बुनकरों का पहला प्रमाणित जारी किया गया। आपातानी जनजाति की महिलाएं बुनाई में निपुण होती हैं और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आपातानी जनजाति की महिलाएं अपनी जनजाति के कपड़े स्थानीय लूम पर तैयार कर अच्छी आय अर्जित कर लेती हैं। आपातानी जनजाति के परिधानों में विविधता पाई जाती है। पूसा लेंडा अभी, बिल्लांग अभी, सुबुंग तारी, जिखे तारी, जिग जीरो पुल्ले और लांगच्यांग हेते अभी इनके प्रमुख परिधान हैं। अपना ये जो ट्रेडिशनल चिचिंग बोलते हैं, इसको हम लोग जो बना रहे हैं उसको चिचिंग बोलते हैं, वो चिचिंग कभी गायब नहीं होना चाहिए। ये लाइफ टाइम हम लोग को ऐसे बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसको हम सब आदमी जानने से ठीक है, हम सोच रहे यूथ लुक और पिस्ता लेंदा, बिला अभी, हेते अभी, तारु और जिख तारु और ये निजी अभी, जितना भी हम लोग का ट्रेडिशनल है अपना से बना के
पहनने से ठीक है, हम ऐसे सोचता है सोच रहे हैं। तो हम लोग जो अभी जो जितना भी आदमी है वो भी मैंने अपना से बना के जितना सकता है अपना ड्रेस को पहनने से दिखाने से अच्छा है ऐसे सोचता है हम। ये जो हम जो पहन रहे हैं सिप्पी अभी जो मेरा ग्रैंड मदर का मदर का दिया वाला है, जो ये सिप्पी अभी इसको हम लोग बोलते हैं सिप्पी अभी। ये जो पहले ज़माने में कॉटन से बना हुआ है रुई, वो जो कॉटन से ऐसे ये लंबा लंबा करके वो वहाँ से बनाया ये। और ये जो हम पहन रहे हैं सिप्पी तार ये जो अभी जो पहन रहे हम ये सिप्पी तार है। ये जो ये भी मेरा बहुत साल का पुराना है। हम शॉल बना रहा है, ये हम लोग का ये ट्रेडिशनल ड्रेस, ये हम शादी में भी इसको यूज़ करता है इसको, और कुछ फंक्शन में भी इसको यूज़ करता है, जो भी मीदा सदा हो और पेन जाने से भी, और हम लोग का ये मुरुम फेस्टिवल में भी इसको यूज़ करता है। ये हम वही बना रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति में भी लायन लूम वीविंग की परंपरा है, और उनके बुने गए कपड़ों के डिजाइन में उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की झलक मिलती है। पापुमपारे जिले के महिला उद्यमी ताना जेरी निशी गाले कोट और स्कार्फ बनाती है, जिसे निशी जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। इसे काला सफेद और लाल धागे से बुना जाता है। मूंगा या एरी के कपड़े से तैयार कोट का उपयोग निशी जनजाति के पुरुष त्योहार या किसी खास अवसर पर करते हैं। आइए निशी परिधानों को तैयार करने के बारे में विस्तार से जानते हैं। मेरा नाम तना जीरी है, मैं मॉडल विलेज में रहती हूँ, और ये सब मेरा ट्रेडिशन का ये निशी कल्चर ट्रेडिशन कपड़ा बन रहा है। पहले ट्रेडिशनल में ग्रे कलर का, आजकल जो येलो पीला काला रंग का सबका मिक्स के अपना पसंद में सभी अभी बना के पहन रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग अपना पहनने के लिए घर में ये सब लॉइन लूम में बनता है। तो आजकल जो सब लोग बनाने नहीं सके, अभी सब ये कोई ऑर्डर होता है, कोई पसंद घर घर से आता है, उसी को भी हम लोग बना देते हैं। तो ऐसे बना के हम लोग का जहाँ भी ट्रेडिशन कल्चर है समाज में, निशी में शादी में जाना है ड्रेस उसी में पहनता है, पहनने के लिए सब हर घर घर में बनता है अपना ट्रेडिशन। ये पहले से ट्रेडिशन ऐसे घर घर में बना के आता है। तो आजकल भी हुई जितना लड़की औरत लोग सब अपना घर में सब बनता है अपना पहनने के लिए। तो आजकल पढ़ाई लिखाई दिन में गवर्नमेंट आ गया, पढ़ाई लिखाई दिन में कोई बच्चा लोग पढ़ाई में लगन रहता है और अपना ट्रेडिशन में आजकल बनाने में कम हो गया। जितना एजेड वाला है सब बन घर घर में बनता है। तो अभी भी सीखने के लिए सब बच्चा लोग सीखने के लिए कोशिश करता है पढ़ाई होने का बाद में। ऐसा है हम लोग का अभी प्रोफेशनल में भी ये सब डिजाइन को प्रोफेशनल में हम लोग का प्रोमो होता है, निशी का प्रोमो होता है, गुमपिन गले होता है, जिकुन पोची होता है, सबका प्रोफेशनल में मार्केट में भी बेचने लग गया। तो ऐसा हम लोग
अपना ट्रेडिशन को मेंटेन करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से हम लोग बनते गया बनाते गया, अभी घर घर में बनाते हैं, हम लोग देख सकता है। राज्य के सियांग और दिबांग क्षेत्र में निवास करने वाले आदि जनजाति के पारंपरिक परिधान बेहद आकर्षक होते हैं। इन्हें महिलाएं लाइन लूम पर बनाती हैं। इनके वस्त्रों में संस्कृति, विश्वास और आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। आदि जनजाति की महिलाएं विभिन्न प्रकार के गाले, कोट, गादू आदि बनाती हैं और इनका सामाजिक आर्थिक महत्व भी है। ईस्ट सियांग जिले की जारको गांव की महिलाएं लाइन लूम पर अपने जनजाति के परिधान बनाने में पारंगत हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक रूप से तैयार रंगों और धागों का उपयोग किया जाता है। आइए आदि जनजाति के परिधानों के स्थानीय नाम, रंग और विशेषता के बारे में उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। अभी ये अपना ट्रेडिशनल गले बना रही है। ये अभी वो पूरा गले बनने से पहले पोरिंग लगा रही है। पोरिंग में ये ऑरेंज कलर आता है इसका, ये इसके लिए, और इसके बाद सफ़ेद डिजाइनिंग के लिए, इसके बाद ये फिर यही आती रहेगा। तो इसके बाद इसको उतार के हाँ, ये इसको तानियंग बोलता है, इसको हुम्पा बोलता है। तानिये को उठा के हुम्पा से हटता है। इस करने के बाद मैं ये ट्रेडिशन का, वो हम लोग का ट्रेडिशन आदि ट्रेडिशन में बोल रहा है, ये जो वो आदि लुबलिंग है ना, लुबलिंग, और ये जो बहुत दाम का है ना, ये जो बहुत दाम है, और इसको बनाने के लिए एक महीना लगता है ये इसको बनाने के लिए। और ये जो है ये कलर जो है, इसको नहीं लगाने से हम लोग का वो नाम निशान नहीं होते ना, इसको बनाना ही पड़ेगा हम लोग का। और ये जो पुल जो है, ये पुल जो ये आगे में बैठने वाला है, और ये पुल जो है यहाँ में बैठने वाला है, और ये पुल जो है हाथ में बैठने वाला है, और ये अंदर का ये जो पुल है ये दिखाई देते हैं, और पीछे में बैठने वाला है, और वो ये जो वो है वो हाथ में ना, तो आगे में होने से वो सबको प्लस हो के वो कोट होता है, कोट वो जो हम लोग का आदि का कोट कोट होता है, हम लोग उसको कोट आदि का कोट बोल रहे हैं ना। और ये जो बहुत दाम का है,
जरख बस्ती का हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। जब भी मौका मिलता है ये गले बना के यहाँ से हम लोग अपना लिए भी पहनने के लिए बनाता है और घर का खर्चा के लिए भी यहाँ से इसको बेच के उससे खर्चा थोड़ा मोड़ा आता है ना। ये पारम गले है, इसको बनाने के लिए 8 दिन 9 दिन ऐसा लगता है। इसमें 2 फूल बनाता है, एक फूल में 3 दिन लगता है ना, और फ्लेन में और 2 दिन ऐसा ओके, और फिर फूल बनाना है। ऐसा करके 8 दिन 9 दिन लगता है इसको। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले में निवास करने वाली मिश्मी जनजाति को पारंपरिक हस्तकला के क्षेत्र में समृद्ध माना जाता है, जो कि इनका सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहचान भी है। इस जनजाति के बुनकर कपड़ों की बुनाई और कलर मैचिंग में निपुण होते हैं। मिश्मी कोट जिसे ज्यादातर पुरुष पहनते हैं, इसमें कॉटन, ऊन, सिल्क और मेटल का उपयोग होता है। इसे बनाने में 6 से 7 दिन लगता है। मिश्मी शॉल, मेखला और चुन्नी की अच्छी मांग है और लाइन लूम पर इन कपड़ों को तैयार कर महिलाएं अच्छी आमदनी कर लेती हैं। ये 2 पीस में बनता है, ये नीचे का है, ये ऊपर का है, ये अलग कपड़ा सिलाई होता है दुकान में खरीदने से। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। ये बहुत तकलीफ है, ये बनाने के लिए बहुत दिन जाता है। ये जो है, जो हम लोग का भाषा से, और ये तखरु है, ये प्लिंग पम है, ये खलंग पा है, और ये काना बोलता है, ये पलो बोलता है, अलग अलग का नाम है। हमें मिश्मी मेखला बना रहे हैं। ये मिश्मी मॉडर्न न्यू डिज़ाइन है। उसके बाद में ये बनाने में 3 डेज लग जाता है, और इसमें हम सूता से बनाया है, और इसका नाम जो है तादे बोलते हैं हम लोग का उसमें। हम मिश्मी कोट बना रहे हैं, ये बनने में 10 दिन या 15 दिन लगता है। उसका बाद ये बन जाने से हम लोग बाज़ार भेजते हैं या अपना लगाते हैं, कभी कभी किसी को गिफ्ट देते हैं प्रोग्राम होने से। सोलना हम लोग ना फर्स्ट में ये बना रहा है, फर्स्ट में ये बना रहा है, फिर उसके बाद में ये जो ना ऐसी ये दोनों सेट में सिलाना है, ये दोनों ऐसी सेट में, ये दोनों ऐसी सेट में सिलाना है ऐसी।
अच्छा ऐसी सिलाने हैं हम लोग, ये ऐसी ये सोल बन, सोल बन गया, ये बीस में रहेगा, ये केना में रहेगा था। राज्य का तिरप जिला पारंपरिक लायन लूम उत्पादों के मामले में एक विशिष्ट स्थान रखता है। तिरप जिले में निवास करने वाली नोक्ते जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला मेखला कॉटन, रेशम और मेटलिक धागों से बनाया जाता है। उनके हथकरघे बांस और लकड़ी से स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाते हैं और वे बदलते समय के अनुसार बेहतरीन डिजाइन के कपड़े तैयार कर रही है ताकि पारंपरिक परिधानों के प्रति लोगों का लगाव बना रहे। नोक्ते कोट जिन्हें पुरुष पहनते हैं शौर्य और बहादुरी के प्रतीकों से युक्त होता है। पारंपरिक तरीके से स्थानीय स्तर पर तैयार धागे और रंगों का उपयोग कर वे नोक्ते कोट बनाती हैं। इसमें प्राकृतिक लाल और काले रंग का उपयोग होता है। नोक्ते स्कार्फ और नेकटाई इस जनजाति की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं। नाम, मेरे नाम जो चनम लोवांग है। इसे हम लोग ये लिंडोंगथोंग विलेज बोल के नया बस्ती खुला है, वहाँ में मेरा बस्ती है। माँ पिताजी बस्ती जो ठिंचा विलेज है, तो हम लोग ये नोक्ते खच्चुम बोलते हैं इसको, लड़का लोग का है ये ना। असम लोग तो सोल बोलते हैं, ये तो हम लोग खच्चुम बोलते हैं। वो शुरू में ये डिजाइन के लिए थोड़ा छोटा बनाती है, इसको जीवन करने के लिए और दूसरा अलग से तान के फिर सिलाना पड़ता है। तो हम लोग ये लोलूम में तो बहुत तकलीफ भी है, टाइम भी जाता है, डिजाइन भी ऐसे मतलब लाठी से बस बस के ये बनाती है, इसलिए टाइम लगता है ये लोलूम में। तो एक दिन में हम लोग सुबह से और लोग तो खाना पकाएगा क्या क्या अपना काम सब करने के बाद हम शुरू करते हैं। तो दिन में तो कभी कभी डिजाइन होने से तो ज़्यादा नहीं बना सकते, जैसे कि ऐसा आधा मीटर जैसा ही दिन में बना सकते हैं डिजाइन होने से। प्लेन होने से तो दिन में एक मीटर भी बना सकते हैं, प्लेन तो ऐसे ही मारते हैं तो ना। तो ये इसको तो हम लोग रोमगिट होते हैं, ये शुरू में ये नहीं होने से काम नहीं होता, ये तो लात खतक के बोलते हैं ऐसो। ये इसको तो माकू बोलते हैं ना, आसामी इस लोग माकू बोलते हैं, हम लोग तो खतक खरवाट के बोलते हैं, खरवाट के। तो ये तो बो बोलते हैं हम लोग, तो ये तो खूखन खींचने के लिए ना, खूखन से जैसे कि उन रूसी जो उल्टा पुलटा नहीं उसे धागा जो ना नहीं डाल सकते, तो इसलिए इसको मीनिंग जो हम लोग असमी से बो बोलते हैं, हम लोग जो खूखन खरुसी थी ऐसा बोलते हैं। तो ये तो डिजन का लीस है ना, ये तो लीस लीस के ना, लाची को के बोलते हैं हम लोग, के कम ना वो भी के ही बोलते हैं, सबसे को तो लाची ही बोलते हैं सबका ना, लाची बोलते हैं। उसके बाद में ये टेम्पल है, ये छोटा नहीं होने के लिए ना इसको जरूरी है, ये नी लगाने से छोटे होते जाएगा, इसलिए हम लोग ये इसको लगाते टेंपल को।
हम लोग यहाँ पे नोकटे एक छोटा सा विलेज बोडुरिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ में रिसेंटली हम लोग यहाँ पे खोंसा टाउन, एक छोटा टाउन है खोंसा में, तो उसी टाउन पे हम लोग का एक एसएसजी ग्रुप, वुमेन ग्रुप फॉर्म किया हुआ है। तो वो ग्रुप में हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ में लैंड लूम का हम लोग का ये काम है। उसका बाद में हम लोग यहाँ में तरह तरह के डिज़ाइन के नोकटे कल्चर को हम लोग गाले का फॉर्म में, जिसको हम लोग नोकटे गाले को, जिसको हम लोग नोकटे से हम लोग का ट्रेडिशनल अपना ट्राइब से हम लोग को इसको तखथोक कहते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग का वैरायटीज ऑफ डिज़ाइन आता है, जैसे कि ये मैंने जो यूज़ किया हुआ है इसको हम लोग खच्छम कहते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग डिज़ाइन का हम लोग गाले बनाते हैं। गाले हम लोग का यहाँ में बनता है, गाले और बैग, नेक टाई, कोट, ये सब बनता है। तो हमारा यहाँ पे जो एसएचजी ग्रुप हम लोग का जो एक कथा होके हम लोग का ये प्रोडक्शन करते हैं गाले और ये सब कपड़ा थ्रू लैंडलूम से, इस उसी से हम लोग का लाइवलीहुड चलने में, हम लोग का लिविंग हुड चलने में बहुत मदद हो जाता है। राज्य की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा लायन लूम वीविंग को अरुणाचल के लिए गांधी जी के सपनों के भारत का एक सशक्त माध्यम मानती हैं। वे इसके माध्यम से रोजगार के साथ साथ स्थायी रूप से आय का एक साधन के रूप में विकसित करके इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में प्रयासरत हैं। आज भी महिलाएं अपने घरों में इसको इस्तेमाल कर रही हैं, खासतौर से जो आर्थिक रूप से वंचित हैं और दूर दराज इलाके में रहती हैं, उनको और कोई साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो अभी भी इसको कर रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला चलती चली आ रही है। इस लॉयल लूम की विशेषता की वजह से हमारा ये संदेश है यहाँ की नारी शक्तियों को, खासतौर से पढ़ी लिखी, शिक्षित, कार्यरत में अच्छे अच्छे पोजीशन में जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये मेरा संदेश है कि वो इसको कला को लुप्त होने से बचाएं और इसके लिए वो खुद भी इसको फॉलो करें, जो कि उन्होंने छोड़ दिया है ये सोच के कि हमें अब ज़रूरत नहीं है, हम बाज़ार से ख़रीद लेंगे और हम तो जॉब करते हैं, हमें एनफ पैसे मिलते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनके जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की पहचान है ये लॉयल लूम, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इस कला को और इसको बढ़ावा देने के लिए उनको अपने घर में एक छोटा लूम लगा के रखना चाहिए, जिसे वो सिर्फ हॉबी के तौर पे इस्तेमाल करें। इस कला को जीवित रखने के लिए ये आवश्यक है कि ये जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति आज की आधुनिक महिलाएं हैं, वो इसको इसमें इंटरेस्ट लें और इसको प्रोत्साहन देने के लिए जो हमारी सरकार की स्कीम है उनको जन जन तक पहुंचाएं, जिससे जो दूर दराज में रहने वाली महिलाएं हैं वो इसका लाभ उठा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें और इसको देश में हर कोने कोने में फैलाएं। यहाँ तक कि मैं चाहती हूँ कि ये पूरे विश्व में अरुणाचल की ये कला पहुँचे। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी ईटानगर आई थी तो उन्होंने श्रीमती नीलम मिश्रा द्वारा निर्मित कपड़ों की प्रशंसा की थी। इस कला को देखकर उन्होंने यूपिया में निर्माण होने वाले हैंडलूम पार्क में लायन लूम के लिए एक विशेष सेक्शन की व्यवस्था की बात कही। जनजातीय परिधानों से उनके जुड़ाव को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उन्होंने स्वयं लायन लूम पर कपड़ा बुनना सीखा और दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। श्रीमती नीलम मिश्रा का मानना है कि पारंपरिक परिधान न केवल राज्य की जनजातियों की पहचान है, बल्कि इस कला के विकास से
गृहिणियों के लिए सामान्य आय का साधन बन सकता है। राज्य की महिलाओं विशेषकर युवा पीढ़ी को पारंपरिक हथकरघे से कपड़ा तैयार के लिए प्रोत्साहित करती हैं। राज्य के कपड़ा बुनने की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा प्रयासरत रहती हैं और इसी कड़ी में उन्होंने लाइन लूम वीविंग सीखी और परंपरागत बुनाई करती हैं। वर्तमान समय में हथकरघा उद्योग यानी लाइन लूम हैंडीक्राफ्ट प्रमुख आकर्षण के केंद्र के रूप में अरुणाचल प्रदेश के गांवों में प्रतिष्ठित हैं। हस्तकला उद्योग से लोगों के बीच उनके मूल्य और विचारधाराओं को बल मिला है।